प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में एसडीओ ऑफिस सुरेश सेजवाल और कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से चकरा तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नाबालिग युवकों के 30 से ज्यादा दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की। उसके बाद एसडीओ ऑफिस सुरेश सेजवाल ने पुलिस बल के साथ कॉलेज, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स स्कूल, नजरबाग और पार्कों में जाकर कुछ मनचले मजनू युवकों को पकड़ा और उनके माता पिता को बुलाकर हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं कुछ युवतियों को भी समझाया गया। इस दौरान एसडीओ ओपी सुरेश सेजवाल ने बताया कि यह अभियान बराबर चलेगा। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज टीकमगढ़ पुलिस, कोतवाली, यातायात, ये इनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें कि नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनके उनको रोक के पकड़ा गया और उन पर कार्रवाई भी की है। और कुछ ऐसे लड़कियां जो नाबालिग है और 3-3 सवारी बैठ के वाहन चला रहे हैं, उनके माँ बाप को बुलाकर मौके पर समझाइश देकर छोड़ा भी गया है। और इसी क्रम में हम लोगों ने जो संबंधित कोचिंग सेंटर और पार्क वगैरह है जहाँ पर लड़कियों का आना जाना है कोचिंग और कॉलेज स्कूलों में, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक सर्च अभियान चलाया है, जिसमें कुछ आवारा किस्म के लड़के वगैरह कुछ हम लोग इन लोगों ने हमने पकड़ के उनसे पूछताछ करी, उनका आईडी प्रूफ वगैरह लिया। और कुछ ऐसे भी है जो यहीं के रहवासी है, उनके माँ बाप को बुला के समझाइश दिए कि इस तरीके से आपके बच्चों पे कंट्रोल करो, और जो बाहरी है उन पे हमने कार्रवाई भी की है।